संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। समास चल रहे हैं, तृतीया तत्पुरुष समास तक हमने जान लिए हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास को जानने का प्रयास करेंगे आज, और लगभग एक या दो शब्दों को जैसे मैं बताता हूँ सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। बहुत छोटा सा ही है, ये एक सूत्र लगता है इसमें मात्र, तो वो सूत्र लिख करके उसको समझा देता हूँ, उसके शब्द समझा देता हूँ, उसके बाद हम सिद्धि पे चलेंगे, सिद्धि देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मुख्य चीज जो है समासों में या किसी में भी, वो शब्द को सिद्ध करना है। चतुर्थी तत्पुरुष समास, इसमें एक सूत्र है, उसे देख लेते हैं फिर आगे चर्चा करेंगे। चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई, बस यही सूत्र है इसमें, ठीक है। अर्थात चतुर्थी शब्दांत जो भी सुबंत होते हैं उनका तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित, इन शब्दों के साथ में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, ये इसका तात्पर्य है। पहला देख लेते हैं उदाहरण इसका। तदर्थ में तद अर्थ मतलब ये उसके लिए है, तदर्थ यहां तात्पर्य है, तदर्थ के लिए, तदर्थेन प्रकृति विकृति भावा इविष्ट, इस तरह से बोला गया है। मतलब प्रकृति विकृति जिसमें हो, अब प्रकृति विकृति को हमने बहुत अच्छे से जान लिया है, जो अपनी मूल में होती है, जो चीज है जैसी, उसको यदि किसी और अन्य कार में ले लिया तो उसको विकृति हो जाती है, विकार हो जाता है उसमें। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बना लीजिए, तो मिट्टी अपनी प्रकृति में थी, उसको रूप परिवर्तित करके घड़ा बना दिया गया। प्रकृति विकृति को पूरा डिटेल में अगर जानना है आपको तो सांख्य दर्शन पढ़ लीजिए, सांख्य कार्यक्रम में मैंने बड़े अच्छे समझाया है। सोना है, सोना पिंड के रूप में है या छोटी छोटी नसों के रूप में है या छोटे छोटे कणों के रूप में, जैसे भी है, उनको एकत्रित किया और एकत्रित करके उसके आभूषण बना दिए, तो सोने का जो मूल था, जो तदर्थ मतलब उसकी प्रकृति थी, उसको विकार उत्पन्न हुआ और वो आभूषण बन गए, ठीक है। लकड़ी है, लकड़ी से आप द्वार बना लीजिए, दरवाजे बना लीजिए, खिड़की बना लीजिए, वो लकड़ी मूल थी, पेड़ के रूप में थी, उसको आपने रूप परिवर्तित कर दिया, विकृति पैदा हो गई उसमें। ऐसे ही यहाँ एक लकड़ी है, उसे यूप बना रही है, किसे संबंधित कोई प्रक्रिया कर रही है, तो उसमें ऐसे ही जो प्रकृति विकृति, याद रखना तदर्थ सिर्फ यहां पर प्रकृति विकृति के लिए प्रयोग होगा। जैसे यूप दारू है, यूप दारू को यूपाय दारू, यानी कि जो लकड़ी है वो यज्ञ के एक स्तंभ के लिए प्रयोग की जा रही है, तो यहां पर यूप दारू में चतुर्थी विभक्ति का अर्थात चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। अर्थ से तात्पर्य क्या है? अर्थ एक तरह से नित्य समास, अर्थेन नित्य समासो इसमें बोला गया है, अर्थात अर्थ जब भी किसी में आ जाएगा तो नित्य समास होगा, उसका विग्रह नहीं होगा, और उसका विग्रह दर्शाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। जैसे द्विजार्थम, इसमें उदाहरण दिया है, द्विजार्थम यानी द्विज के लिए कुछ भी हो सकती है, अयम हो सकता है, यम हो सकता है, जो भी है, जो चीज लाएंगे उसके अनुसार अर्थ की जगह अयम इदम का प्रयोग कर लिया जाएगा, अयम यम इदम कुछ भी प्रयोग कर लिया जाएगा, मतलब अर्थ शब्द इसमें से गायब हो जाएगा। उदकार्थम, उदक मन पानी, पानी के लिए, तुदार्थम तुम्हारे लिए, ये जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो अर्थ में प्रयोग किए जाएंगे, तो उसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। बलि, बलि मतलब क्या होता,
भूत बलि, भूतेभ्यो बलि शब्द है ये। अब भूत से तात्पर्य क्या है? प्राणी के लिए। बलि मतलब एक तरह से किसी चीज को दान देना, कोई चीज देने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि कुछ भी चीज खाने के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तु के लिए दी जा जो वस्तु दी जाती है उसको बलि बोला जाता है। ठीक। चतुर्थ चौथा गौहितम, गौव्य हितम यानी गौ के लिए हित, गौयों का हित, इस तरह से मान के चलिए इसको। गौ सुखम, गौभ्य सुखम, गौ रक्षितम गाय के लिए प्रयोग कर सकते, प्रयोग किए गए इसमें सब उदाहरण जितने भी हैं। गौ सुखम और छठवां है गौ रक्षितम। यही उदाहरण है इसमें पूरे में। अब मैं यूप दारू शब्द के लिए सिद्ध करने का प्रयास करूंगा जिससे कि आपको पूरी चीजें समझ में आ जाए, और इसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ भी बताने के लिए है, एक समझ लो, बाकी सब एक जैसे ही हैं। तो एक सिद्धि देखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसको क्योंकि तो बड़ी हो जाती हैं चीजें तो समस्या रहती है। चलिए यूप दारू देख लेते हैं ना, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। चतुर्थी विभक्ति लगा करके सीधा सीधा प्रयोग कर लेंगे। यूपाय दारू द्विजार्थम अयम है ना, भूतेभ्यो बलि, गोभ्यो हितम, गोभ्य सुखम, गोभ्य रक्षितम। द्विजाय अयम कीजिए, द्विजाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके। यूप दारू शब्द है, लौकिक विग्रह इसका क्या हो जाएगा जो हमने बात करी थी, यूपाय दारू। अब यहां पर देखिए चतुर्थी विभक्ति यहां पर भी लोभ है, और प्रथम विभक्ति का जो प्रयोग किया गया सूखा दारू इसमें भी इसमें लोभ प्राप्त है हमको, अर्थात ये भी नहीं है, तो वो कैसे हुआ वो देखेंगे। और अलौकिक विग्रह क्या होगा, अलौकिक विग्रह में यूप ने चतुर्थी विभक्ति में ने होता है, सु औ जस अम औट षष्टाभ्याम्बिस ने भ्याम्बस है ना, ने हो जाता है। और दारु शब्द है तो विसर्ग लगे हुए हैं तो सु का प्रयोग हो जाएगा। प्रथम इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी तदार्थ बलिहित रक्ष बलिहित सुख रक्षतई के द्वारा इसमें समास हो जाएगा, और समास होने पर अगला जो सूत्र लग जाएगा कृतद्धित समासाश्च, इससे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी सुपो धातु, प्रातिपदिकयों से इन दोनों का लोप हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा यूप और दारू। अब इसको पहले रखें या इसको पहले रखें, इसके लिए हम जानते ही हैं कौन सा सूत्र लगता है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ठीक है ना, यानी जो प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट किया गया हो ऐसे शब्द की उपसर्जन संज्ञा होती है, तो चतुर्थी जो शब्द है उसकी प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया गया, बाकी तो इसमें पूरा एक होता है ये शब्द। हाँ मैंने ये लगा दिया आपके लिए समझाने के लिए, लेकिन ये पूरा एक होता है, तो इसमें तो प्रथम विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति में कौन सा प्रयोग किया गया है, यूप शब्द प्रयोग किया गया है, तो इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। दूसरा शब्द क्या कह रहा है, उपसर्जनम पूर्वम, ठीक है,
उपसर्ग पहले से ही पूर्व संघ में पूर्व में लग जाएगा, तो ये यूपदारु बन गया। अब यूपदारु बनने पर एक देश विकृत मन्यवत से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण्ण बनी रहती है, तो जब प्रातिपदिक संज्ञा बनी रहती तो क्या बन जाएगा इसमें, सुओजस अम औष्टाभ्याम विष से इसमें सु लग जाएगा, तो बन जाएगा ये यूप दारु सु। फिर इसमें क्या हो जाएगा उपदेशे, अब मैं सारे सूत्र पूरे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बार लिखवा दिए मैंने ये, उपदेशे अयोनाश का इत तस्लोप और अदर्शनम लोप है ना, एक ही चीज है ये अदर्शन लोपास, उसका लोप हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यूप दारु और सा, ये बचेगा। इसमें एक चीज बताता चलूं, ये मैंने प्रत्यय में बताया था, इसमें भी बताना पड़ेगा, क्योंकि यूप दारु जो शब्द है वो नपुंसक लिंग में है, ठीक है। नपुंसक लिंग कैसे पता चला, एक सूत्र आता है परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुषयो, अर्थात जो तत्पुरुष समास हो या द्वंद समास हो उसमें वाद वाला जो शब्द होता है जिस लिंग में, वो नपुंसक लिंग हो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, वो पूरा शब्द वही बन जाता है। तो यहां पे जो दारू है नहीं लकड़ी है वो नपुंसक लिंग से संबंधित है, ठीक है, तो ये पूरा शब्द नपुंसक लिंग बन जाता है। तो नपुंसक लिंग बन जाता है तो हमको अभी ये प्रक्रिया नहीं लगानी है, स्वजस तक तो ठीक है, उसके बाद में जो हम लोप कर रहे हैं उसकी लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसकी लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सूत्र लग जाता है इसमें परवलिंगम द्वंद तत्पुरुषो, ठीक है। ये लगने के बाद में कोई मतलब नहीं है इसका, जी ज्यों की त्यों रहता है। आगे एक सूत्र और लग जाता है इसमें समोर्ण नपुंसकात्, समोर नपुंसकात् सही से लिखूं, मतलब नपुंसक लिंग में सु और अम ये जो दो प्रत्यय होते हैं उनका लोप हो जाता है इस सूत्र के द्वारा, तो इसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा पूरे के पूरे का, तो हमारे पास क्या बचेगा यूप दारु बचेगा। और मुझे उम्मीद है हमको यही सिद्ध करना था यूप दारु, ठीक है, इस तरह से इसको प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही आप सारे शब्दों को, अब तो उम्मीद है कि आप सब समझे होंगे, कुछ इसमें खास नहीं होता, एक या दो शब्दों का ही सूत्रों का ही फर्क पड़ता है, उसके बाद सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास, ठीक है, समझ में आ गया, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।